दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों सामने जो मोबाइल देख रहे हैं ये है J2 कोर, इसका जो पीछे में जो मॉडल नंबर लिखा हुआ है वो है J260G। तो दोस्तों मैं बता दूं ये मोबाइल जो है मेरे एक सब्सक्राइबर का है, उसने मुझे व्हाट्सएप पर इसकी वीडियो भेजी है और इस मोबाइल के अंदर में जो है FRP लॉक है। दोस्तों मैं बता दूं कि आज तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है कॉम्बिनेशन फाइल से ADB इनेबल करके FRP रीसेट करने का, तो जैसे मान के चले J7S का मैंने वीडियो बनाया था तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने उस वीडियो को देख करके जो है ADB इनेबल करके मेडिकल बॉक्स से या UMD डोंगल से उसका FRP रीसेट किया, लेकिन बाद में जो है 5-6 महीने बाद जो है सेम J7X का मोबाइल आया और लेटेस्ट फ्लैश फाइल उसमें अपडेट था और वो कॉम्बिनेशन काम नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वीडियो गलत है। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान के चलिए आप किसी मोबाइल में कॉम्बिनेशन फाइल आप यूज़ कर रहे हैं और आपका मोबाइल जो है कॉम्बिनेशन मारते ही आपका मोबाइल हैंग कर जाता है या रिबूट नहीं होता आपका मोबाइल या कंप्लीट आपका मोबाइल ऑन नहीं होता है, तो आप दूसरा कॉम्बिनेशन फाइल यूज कर सकते हैं, दूसरा कॉम्बिनेशन फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन फाइल जो सपोर्ट करता है वो फ्लैश फाइल के वर्जन के हिसाब से सपोर्ट करता है कि आज आपके मोबाइल में कौन सा फ्लैश फाइल का वर्जन डला हुआ है उसी के हिसाब से आपका कॉम्बिनेशन सपोर्ट करेगा। तो जैसे कि मैंने वीडियो दिखाया इस फ्लैश फाइल के अंदर में जो भी इसका वर्जन है उसी के हिसाब से मैंने इसमें कॉम्बिनेशन मारा और इसमें काम किया, इसका ADB इनेबल हो गया। लेकिन मान के चलिए आपके पास सिम यही मोबाइल आता है, उस मोबाइल का फ्लैश फाइल का वर्जन अपडेट है और उसमें आप ये कॉम्बिनेशन मारेंगे काम नहीं करेगा, ठीक है, तो ऐसे में आप दूसरा कॉम्बिनेशन फाइल को डाउनलोड करके ADB इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्लैश फाइल का वर्जन कैसे चेक करना है, उसी वर्जन के हिसाब से आप उसका जो है उससे जो है मिलता जुलता कॉम्बिनेशन फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और आप ADB इनेबल कर सकते हैं। तो तरीका तो सेम यही होगा जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से ही आपको ADB इनेबल करना है, उसके बाद आपको FRP रीसेट करना है। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हम इस मोबाइल का ADB इनेबल करेंगे और किस तरह से इस मोबाइल का FRP रीसेट करेंगे हम मेडिकल बॉक्स से। तो दोस्तों आप सामने यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मेरे पास ये कॉम्बिनेशन फाइल है इस मॉडल का। चलिए हम आप मेडिकल बॉक्स ओपन करके आपको यहाँ पे दिखाते हैं किस तरह से हम इसका ADB इनेबल करेंगे और कौन कौन से फाइल से हमें जो है इस मोबाइल को फ्लैश करना है ताकि इस मोबाइल का ADB इनेबल हो जाए और इसका हम FRP रीसेट कर सकें। तो दोस्तों मैं आपको ये बात बता दूं कि कॉम्बिनेशन फाइल में से बहुत सारी फाइल होती है, उसमें कौन कौन से फाइल से आपको फ्लैश करना है, किस मोबाइल पर कौन कौन से फाइल सपोर्ट करेगा, किस मोबाइल पर टोटल फाइल सपोर्ट करेगा, तो ये सब मोबाइल के ऊपर में मॉडल के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन फाइल जो है कौन से मॉडल में कौन कौन से फाइल से फ्लैश करेंगे ताकि उसका ADB इनेबल हो जाए। चलिए हम आपको यहाँ पे मेडिकल बॉक्स ओपन करके दिखा रहे हैं, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं डिवाइस मैनेजर ओपन कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए। तो डिवाइस मैनेजर हमारा ओपन हो चुका है, उसके बाद चलिए हम आप मोबाइल को यहाँ पे इस मेडिकल टूल से बूट कराएंगे डाउनलोडिंग मोड में। तो डाउनलोडिंग मोड पर ले जाने के लिए हमें, तो दोस्तों डाउनलोडिंग मोड पर ले जाने के लिए मोबाइल को आप मोबाइल को ऑन करके भी लगा सकते हैं और यहाँ पे जो है मेडिकल में जो ऑप्शन दिया हुआ है गो टू डाउनलोड, यहाँ से भी आप डाउनलोड मोड पर ले जा सकते हैं, लेकिन ये मॉडल जो है आपका यहाँ से डाउनलोडिंग मोड पर नहीं जाएगा, इसे आपको मैन्युअली डाउनलोडिंग मोड पर लगाना होगा। तो मैन्युअली डाउनलोडिंग मोड पर लगाने के लिए आपको मोबाइल को ऑफ करना होगा, वॉल्यूम प्लस माइनस दोनों को कंटिन्यू सेम टाइम दबा के रखना होगा, उसके बाद केवल आपको लगाना होगा मोबाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग मोड पर चला जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बूट पे क्लिक करके आपको कॉम्बिनेशन फाइल सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले लिस्ट पे क्लिक करके ये बाकी सारे फाइल का आपको अनचेक करना होगा, इसमें सिर्फ आपको 3 फाइल से ही फ्लैश करना है। जिस तरह मान के चलिए हमने J2 2018 मोबाइल का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि 3 फाइल से फ्लैश करना है, उसी तरह इस मोबाइल को भी जो है आपको यहाँ पे 3 फाइल से ही फ्लैश करना है। और मान के चलिए आप मोबाइल में अगर आप फ्लैश कर रहे हैं, ठीक है, अगर कॉम्बिनेशन आपका ये काम नहीं कर रहा है तो आप दूसरा कॉम्बिनेशन डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, लेकिन तरीका सेम यही होगा। तो दोस्तों जैसे J2 2018 मॉडल का जो मैंने वीडियो बनाया था उसी तरीके से ही सेम इस मोबाइल का भी जो है आपको FRP रीसेट करना होगा, उसी तरह से आपको जो इसका ADB इनेबल करना होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हम इस मोबाइल में जो कॉम्बिनेशन फाइल से फ्लैश कर रहे हैं और फ्लैशिंग जो है यहाँ पे सक्सेस हो चुका है, मोबाइल ऑटोमेटिकली रिबूट हो चुका है, उसके बाद ये मोबाइल ऑन होगा और ऑन होते ही ये मोबाइल ऑटोमेटिकली ADB पोर्ट बनाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मोबाइल जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे ADB पोर्ट बना रहा है, इसका ड्राइवर ऑटोमेटिक यहाँ पे पकड़ रहा है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे एंड्रॉइड ADB इंटरफेस आपके डिवाइस मैनेजर में शो करेगा तभी जो है आप इस मोबाइल का जो है FRP रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस मोबाइल को मैंने कॉम्बिनेशन से फाइल से फ्लैश किया, मोबाइल ऑटोमेटिकली रिबूट हुआ, रिबूट होने के बाद ये मोबाइल ऑन हो रहा है, ऑन होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइस मैनेजर में इसका एंड्रॉइड ADB इंटरफेस शो कर रहा है। तो इसी तरह से जब भी आप कॉम्बिनेशन फाइल से फ्लैश करेंगे मोबाइल ऑटोमेटिकली कंप्लीट जो है रिबूट होगा, रिबूट होकर जब मोबाइल आपका ऑन होगा उसके बाद डिवाइस मैनेजर में आपका एंड्रॉइड ADB इंटरफेस शो करना चाहिए। जब तक आपका या ADB इंटरफेस शो नहीं करेगा तब तक आप मोबाइल को जो है रीसेट नहीं कर सकते हैं।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे डिवाइस मैनेजर में जो है यहाँ पे शो कर रहा है एंड्रॉइड एडीबी इंटरफेस। उसके बाद अब हम इस मोबाइल को जो है FRP यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे FRP एडीबी पे चेक लगाया, उसके बाद स्टार बटन पे मैंने क्लिक किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बूट नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने पोर्ट को स्कैन नहीं किया था। चलिए फिर अब यहाँ से हम पोर्ट को स्कैन कर लेते हैं, उसके बाद फिर से हम दोबारा ट्राई करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फिर से ट्राई किया और स्टार बटन पे मैंने क्लिक किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल बूट कर चुका है और मोबाइल का एंड्रॉइड वर्जन यहाँ पे दिखा रहा है और ये मोबाइल का जो सक्सेसफुली FRP रीसेट हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप किसी काम आए वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।